हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल वेदनुलेखा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक में। यहाँ पर मैंने लिया है साबूदाना। ये ऐसे आपको साबूदाना लेना है। यहाँ पर मैंने हाफ कटोरी साबूदाना लिया है जिसे मैंने भिगो लिया था 2 से 3 घंटों के लिए। ये देखिए कितना खिला खिला हो गया है। अब मैं लूँगी एक पैन। उस पैन में मैंने डाला है घी। आधा चम्मच मैंने घी, गाय का घी लिया है और ये पूरा मेल्ट हो गया है दोस्तों। अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारे भिगे हुए साबूदाना। ये देखिए हल्का सा हमें इसे रोस्ट करना है घी में, जिससे कि ये इसका स्वाद है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में जो हमारे साबूदाने की खीर रहेगी उसका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। तो ये हो चुका है अब मेरा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ ग्लास पानी। ये देखिए थोड़ा सा आपको हाफ ग्लास पानी ऐड करके 2 मिनट के लिए इसे पकाना है। तो ये देखिए अब इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए। मैं थोड़ा सा ढक्कन लगा दूंगी। तो ये मैंने ढक दिया है। अब ये देखिए 2 मिनट के बाद ये देखिए अब ये साबूदाना मेरा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे दूध। आपको अब लेना है दूध। यहाँ पर मैंने गाय का दूध लिया है 1 से 1.5 गिलास। ये देखिए दूध आपको लेना है। ये मैंने 1.5 गिलास दूध ले लिया है। अब इस दूध से मैंने मलाई नहीं निकाली है दोस्तों। ये देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, ये मलाई भी साथ में ही है। ये देखिए तो आपको मलाई नहीं निकालनी है दूध से, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो ये देखिए अब ये धीरे धीरे पकने लगा है। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं इसमें। आपको इसको लगातार चलाते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गुड़। आपको देखिए गुड़ पहले नहीं डालना है, अदरवाइज़ नहीं तो हमारा जो दूध है ना वो फट जाता है। तो गुड़ आप पकने के बाद थोड़ा लेट डालिएगा। ये देखिए ये गुड़ है जैकरी जिसे हम बोलते हैं, ये पूरा मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कूटी हुई इलायची। ये मैंने 3 से 4 इलायची ली है, इसे कूट के मैंने डाला है। आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं इलायची का। मैं इसे अच्छे से चला दूंगी। ये देखिए अब मैं इसमें ये देखिए आपको देखिए दूध फटा नहीं है, इसलिए हमें दूध लेट डालना है गुड़, नहीं तो ये फट जाएगा। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लूँगी जिसे मैंने क्रश कर लिए थे। इसमें मैंने बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह ले लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए इसे लगातार आपको चलाते रहना है, नहीं तो ये गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है, मीडियम में रखिएगा। अब मैं इसमें मखाने डाल दूंगी। ये मैंने मखाने ले लिए हैं। आप ड्राई फ्रूट्स आपके हिसाब से कम ज़्यादा या और कुछ भी आप डाल सकते हैं। आप इसमें नारियल की गरी भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर ली नहीं है। तो ये देखिए तो ये हम व्रत में भी खा सकते हैं और माता को भोग लगाने के भी काम आ जाता है। ये खीर बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बन जाती है हमारी खीर। तो ये लगभग अब मेरी खीर पक चुकी है। ये देखिए आपको लगातार चलाते रहना है। ये देखिए अब लगभग मेरी खीर यहाँ पर रेडी हो गई है। मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अब ये देखिए कितने अच्छे से मेरी खीर पक चुकी है, कलर बहुत सुंदर आ गया है। अब मैं इसे एक बर्तन पे निकाल लूँगी। तो ये देखिए खीर मेरी रेडी है, गैस मैंने बंद कर दिया है। कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा आपको ये खीर कैसी लगी। गुड़ वाली खीर, इसमें शक्कर नहीं है।